दिस प्रोग्राम आदाब नमस्कार मैं शाहजहां शाह एक उर्दू हिंदी शायर हूँ रहने का भी सूरत में ही है हालांकि मेरा बुनियादी ताल्लुक उत्तर प्रदेश गाजीपुर आजमगढ़ से है गाजीपुर मेरे वालिद का जन्म स्थल था और मेरी पैदाइश वगैरह आजमगढ़ में आजमगढ़ कैफ़ी आजमी साहब के हवाले से जाना जाता है शबाना आजमी के हवाले से जाना जाता है और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर पैदा हो चुकी हैं ये मेरी खुशनसीबी है कि उस सरजमीन से मैं आ रहा हूँ मेरी बुनियादी तालीम वहीं पर हुई है शिबली कॉलेज में जो एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है शिबली नमानी अदब के हवाले से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं मैं आपको बता दूं कि इतफाक से मेरे जो शेर व शायरी का जो सफ़र है वो सूरत में आने के बाद उसकी शुरुआत हुई हालांकि होना चाहिए था कि मैं जब आजमगढ़ में था शिवली कॉलेज में था तब शेर व शायरी सीख की शुरुआत होनी चाहिए थी लगाव तो मुझको पहले से थी शेर व शायरी से मेरा नस्बत पहले से है पहले सुनने तक महदूद था लेकिन लिखने का जो मुझको शौक़ हुआ वो सूरत में आने के बाद हुआ और उसी का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ अभिषेक गलसर जी की मेहरबानी है इनका हुक्म है इनके दरबार में मैं हाजिर हुआ हूँ इंडियन फनकार शो के हवाले से अभिषेक गलसर साहब फिल्म मेकर हैं और उसके अलावा इनको शेर व शायरी से उर्दू अदब से हिंदी अदब से गुजराती अदब से बहुत ही मोहब्बत है गुजरात में रहने के बाद भी इनको उर्दू शेर व शायरी से जो मोहब्बत है उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और हमारे जैसे लोगों को भी आपसे जोड़ने का काम करते हैं एक बहुत बड़ा काम है आज इनका जो इंडियन फनकार शो है पूरी दुनिया में जाना जाता है और उस हवाले से हम भी जुड़ते हैं तो हमको भी कुछ लोग पहचानने लगते हैं मैं आपके अपने बारे में बता दूं कि मेरी अब तक सात किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं तीन हिंदी में चार हिंदी में और तीन उर्दू में और तीन बार मुझको गुजरात साहित्य अकाडमी से पुरस्कार भी मिल चुका है मेरी किताबों को और भी छोटे मोटे इनाम मिले हैं मुशायरों में मेरा जाना रहता है नशिस्तों में जाना रहता है हिंदी या उर्दू का जो भी प्रोग्राम रहता है जाना रहता है और उसी के हवाले से मैं अभिषेक गलशर साहब के प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ एक बात मैं और बता देता हूँ कि ये जो लिखने का मुझको शौक़ हुआ ये काफ़ी लेट से मुझको हुआ करीब पैंतालीस साल की उम्र के बाद ही मैंने लिखना शुरुआत इसके की इसके शेर व की हालांकि ये तो जवानी का शौक़ होता है लेकिन जवानी का शौक़ मुझको तो बुढ़ापे में लग गया और लगा तो खूब लगा यहाँ अचानक मैंने 2008 के आसपास शेर व शायरी के मैंने शुरुआत की और मेरी खुशनसीबी थी कि कलाम आजर साहब हमारे उस्ताद उनसे मेरी मुलाकात हो गई उन्होंने मेरी रहनुमाई की उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा और सीखने के बाद भी मैंने काफ़ी इसमें मेहनत की तब जाके मैं एक दो शेर कहने के काबिल हुआ हूँ काबिल होने का मतलब यह है कि आज वो भी काबिल नहीं हुआ पता नहीं काबिल मैं हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ हर शेर व शायरी कर लेता हूँ टूटी फूटी ये अभिषेक जी की मेहरबानी है कि जरा नवाजी है कि मेरी टूटी फूटी शायरी को आप तक पहुँचा रहे हैं इनका एक बार मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं समझता हूँ कि इतने मेरी मेरा इतना तारुफ जो काफ़ी हो गया है मैं कुछ अपने कुछ अशार और अपनी कुछ गज़लें लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ शेर आप लोगों के सामने पेश करूँ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ लीजिए एक मतलब एक शेर यहाँ से हाजिर है कि तेरी यादों की चाय टेबल पर तेरी यादों की चाय टेबल पर चोट फिर से लगी मेरे दिल पर तेरी यादों की चाय टेबल पर चोट फिर से लगी मेरे दिल पर और आज जाने दे आज मूड नहीं आज जाने दे आज मूड नहीं प्यार का गेम टाल दे कल पर आज जाने दे आज मूड नहीं प्यार का गेम टाल दे कल पर और एक गज़ल के और कुछ चंद आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि एक ही ख्वाब अब हमारा था एक ही ख्वाब अब हमारा था साथ जीना था साथ मरना था एक ही ख्वाब अब हमारा था साथ जीना था साथ मरना था और उसकी आवाज पर फिदा होकर उसकी आवाज पर फिदा होकर उसको गूगल पे मैंने ढूंढा था उसकी आवाज पर फिदा होकर उसको गूगल पे मैंने ढूंढा था और ये भी सुनी हाजिर है उसको गूगल पे मैंने ढूंढा था वो तो मैं जलाता था उसके होठों से मैं जलाता था उसके होठों से दिल का सिगरेट जब भी बुझता था मैं जलाता था उसके होठों से दिल का सिगरेट जब भी बुझता था वो निकलती थी जब अंधेरे में वो निकलती थी जब अंधेरे में उसका काजल बहुत चमकता था वो निकलती थी जब अंधेरे में उसका काजल बहुत चमकता था और ये शेर भी सुनिए कि आखिरी बार जब मिली थी वो आखिरी बार जब मिली थी वो उसकी बाहों में एक बच्चा था आखिरी बार जब मिली थी वो उसकी बाहों में एक बच्चा था और उसके बेटे का नाम है वही उसके बेटे का नाम है वही जो कभी मैंने सोच रखा था उसके बेटे का नाम है वही जो कभी मैंने सोच रखा था हमको एहसास ही नहीं था शायद, हमको एहसास ही नहीं था शायद दो कदम पर हमें बिछड़ना था हमको एहसास ही नहीं था शायद दो कदम पर हमें बिछड़ना था उसकी आवाज़ पर फिदा होकर उसको गूगल पे मैंने ढूंढा था और एक गजल के और छहार में तरन्नुम से पेश करता हूं आपके सामने तो जो चाहूंगा हुस्न हाथी पे इश्क़ पे है हुस्न हाथी पे हुस्न हाथी वक्त की वक्त की सांस फिर से झल है वक्त की वक्त की सांस बोझल उसने हाथी पैदल है उसने हाथी पे ये शेर भी सुनिए कि भाग निकले हैं घर से दो पंछी भाग निकले, से भाग निकले घर से दो पंछी भाग निकले घर से दो पंछी दूर तक दूर तक रास्ते में जंगल है दूर तक दूर तक रास्ते में जंगल है दूर तक ये शेर की सुनिए है नए मिजाज का शेर है कि दूर तक रास्ते में जंगल है ओ मेरे मेरे जैसे बेकार लोगों का मेरे जैसे मेरे जैसे बेकार लोगों का हम सफर हम सफर है कोई तो गूगल है हम सफर है कोई तो गुगल है मेरे जैसे बेकार लोगों का इस शेर पर ख़ास तो जो चाहूंगा कि मेरे जैसे बेकार लोगों का ओ दिल के दिल के मुन से पूछ कर देखो दिल के मुनसिब से पूछ कर देखो दिल के दिल के मुनसिब से पूछ कर देखो इश्क में इश्क में हर गुनाह लीगल है इश्क में हर गुनाहली गल और हुस्न की आंख में जो है रोशन हुस्न की आंख में जो है रोशन इश्क के इश्क के खून का ओ काजल है इश्क के खून का वो काजल है मेरे जैसे बेकार लोगों का हम सफर हम सफर है कोई तो गूगल है हम सफर है कोई तो गूगल है आदाब नमस्कार शुक्रिया अभिषेक जी